आवाज नहीं आ रही, आवाज सरपंच है कोई बड़ा और बिलखसूस जो मेरे साथी आज इस जमात में शामिल हो रहे हैं तो तकरीबन सभी सरपंच आज से बार बार मुलाकात होती रहेगी आप इंशाअल्लाह, लेकिन आज मैं अपना पुराना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि जिस वक्त या जब कोई पार्टी पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस देगा मैं उसके साथ चलूँगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई, जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जनाब अमित शाह साहब और जनाब रविंद्र रैना साहब, इन्होंने मिल के अपना वो वादा पूरा किया, पहाड़ियों को एस टी दिया और हमने भी अपना वादा किया। क्या बात है, जबरदस्त के लोग हों या अपनी सरकारी सर्विसेज अंजाम देने के बाद जो रिटायर पर्सनालिटीज हैं, डीसी मोहतरम ख्वाजा साहब, एसएसपी गिलानी साहब जैसे बड़े नामी गिनामी शख्सियतें आज इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूं जो आपके दिल में बुखारी साहब के लिए प्यार मोहब्बत है, जो आपके दिल में बुखारी साहब के लिए इज्जत है, और जो बुखारी साहब ने दहाइयों तक लोगों की खिदमत की है, ये उसी का नतीजा है कि यहां आज चारों तरफ आज आपको एक जन समंदर, एक जन सैलाब यहां नजर आ रहा है। और ये वो तमाम लोग हैं, एक एक शख्स जो बुखारी साहब के साथ आज यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक एक शख्स। मैं आप सबका भी बहुत बहुत मशहूर हूं। ये जॉइनिंग का प्रोग्राम आगे भी चलेगा, लगातार चलेगा। एक एक साथी जो बुखारी साहब के साथ यहाँ आया है, हम उनका यहाँ इस्तकबाल करेंगे, उनकी प्रॉपर जॉइनिंग होगी। लेकिन चूंकि जन सैलाब बहुत ज्यादा हो गया है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा पेशेंस से काम लें। सबको जॉइनिंग, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत के मालिक, जिन्होंने माजी में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारें बनती थी उनमें हमेशा जिस शख्सियत का बहुत बड़ा रोल रहता था, जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जोरदार तालियों से सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अशोक कौल साहब, उनसे गुजारिश करता हूं।